फिर उसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंस्पायर्ड ऑफ और डिस्पायर्ड जो है वो दोनों सेम ही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे एक एक बाप के दो बेटे होते हैं लेकिन वो अलग अलग जगहों पे काम करते थे, वैसे ही डिस्पायर्ड ऑफ और स्पाइट ऑफ में सेम है, दोनों का मतलब सेम होता है, बट एक का नाम डिस्पाइट दिया गया है और एक का नाम इंस्पाइट ऑफ नाम दिया गया, ठीक है। डिस्पाइट होता है वो फॉर्मल तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे ऑफिस में या फिर डॉक्यूमेंट्स में, तो वहां हम डिस्पाइट का यूज करते हैं। और जो हम इनफॉर्मल जो होते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कहीं भी इन स्पीकिंग ऑल्सो वी यूज इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम डिस्पाइट की जगह इंस्पाइट ऑफ यूज ना कर सके, हम उसके जगह भी उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बारे में हम ये जानेंगे इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का मतलब होता क्या है। दोनों का मतलब सेम होता है, के बावजूद, ठीक है दोस्तों। ये एक यूजेज है और हमेशा याद रखना, यूजेज जो होता है वो कोई भी टेंस के साथ आ सकता है, कोई भी मॉडल्स के साथ आ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम कोई भी टेंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सेंटेंसेज जो होते हैं वो कॉन्ट्रास्ट बेस्ड पे होते हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है कि दो सेंटेंसेज जो आपस में जुड़े होते हैं, मतलब एक सेंटेंस क्या होता है कि उसके अपोजिट होता है, मीन्स नेगेटिव में होता है, और एक सेंटेंस पॉजिटिव में होता है, मीन्स दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होता है, तो वैसे ही सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंस्पायर्ड ऑफ और डिस्पाइट का यूज कैसे करते हैं और किस तरीके से उसके सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंस्पायर्ड ऑफ और डिस्पाइट दोनों का फॉर्मूला जो है वो सेम है, ठीक है। उसके बाद हैविंग, हैविंग मतलब पास, ठीक है, पास होने को हम हैविंग लगाते हैं, ठीक है। और ऑफ है, और ये एक यूजेज है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो यूजेज होता है यूज के बाद, अगर यूजेज के बाद अगर कोई भी हेल्पिंग और मतलब कोई भी वर्ब आती है तो वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगती है, ठीक है। तो हैविंग क्या है, वर्ब है, तो इसलिए हैविंग आ गया। बींग मतलब होना, कोई भी पर्सनैलिटी में होना, या फिर हम जैसे मतलब कहते हैं डॉक्टर होना, इंसान होना, कोई वकील होना, कुछ भी चीज का बनना एक तरह का, तो उसमें हम बी का यूज करते हैं, तो बींग आ जाएगा। या फिर हम नाउन का भी यूज कर सकते हैं, अगर कोई नाउन हो तो नाउन में हम इंस्पायर्ड ऑफ के बाद नाउन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे वह बीमार होने के बावजूद भी अपना काम सही से करता है, तो इंस्पायर्ड ऑफ इलनेस ही डज गुड वर्क, या ही डज वर्क वेल, ठीक है। तो वैसे ही फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर कॉमा लगा के सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। उसके बाद वर्ब जो भी फॉर्म्स, जो ये वर्ब के फॉर्म्स होंगे वो टेंसेस या फिर मॉडल्स के अकॉर्डिंग लगेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वैसे ही डिस्पाइट ऑफ में, डिस्पाइट में क्या होता है, डिस्पाइट प्लस हैविंग, वही सेम दोनों का तरीका, ठीक है। उसके बाद हम पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पाइट ऑफ कि इंस्पाइट ऑफ को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस लिख रखे हैं, ठीक है, पहले मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, ठीक है, दूसरा फिर उसके बाद आप बनाने की कोशिश करो, तब तक फिर मैं दूसरा मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है। पेन होने के बावजूद मैंने उसे नहीं दिया, ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखना ये, ठीक है, और ये दोनों सेंटेंसेज है, इसको भी आप पहले बना सकते हो या फिर इसको आप पहले बना सकते हो, दोनों में से कोई भी सेंटेंस आप पहले बना सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये वाला बना के दिखाता हूं, पेन होने के बावजूद मैंने उसे नहीं दिया। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है कि एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, मतलब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होता है। तो पेन होने के बावजूद भी मैंने उसे नहीं दिया, तो इसमें क्या है, होने के बावजूद मतलब मेरे पास होने के बावजूद, तो पास के लिए हम हैव लगाते हैं, तो क्या आएगा, सबसे पहले इन स्पाइट ऑफ Having pen, मैंने उसे नहीं दिया, ये टेंस कौन सा है, मैंने आपको बता रखा है हेल्पिंग, और ये टेंस कौन सा है, पास इंडेफिनिट का। तो पास इंडेफिनिट में क्या होता है कि हम कौन सा हेल्पिंग और होती है, उसकी डिड होती है, तो आई डिंट गिव हिम, इन स्पाइट ऑफ हैविंग पेन आई डिंट गिव हिम। दोस्तों हमेशा देखना इंस्पाइट ऑफ के बीच में गैप रहता है, आई के बाद, आई एम के बाद, इन मतलब इन के बाद स्पेस आएगा, फिर स्पाइट, फिर स्पेस, फिर ऑफ, ठीक है। इसमें ये नहीं कि आप दोनों इसको टच करके लिख सकते हो, इसमें स्पेस है बीच में, ठीक है। वैसे ही इसको आप पहले भी लिख सकते हो, आई डिंट गिव हिम इंस्पाइट ऑफ हैविंग
पेन, ठीक है दोस्तों समझ में आए। ठीक है आप हम बात करते हैं दूसरा, कंप्यूटर हो की नॉलेज होने के बावजूद भी तुम उसे नहीं बताते हो। ठीक है कंप्यूटर की नॉलेज होने के, कंप्यूटर का, कंप्यूटर का नॉलेज होने के बावजूद भी तुम उसे नहीं बताते हो, तो इसमें वही सेम इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉलेज किसका, कंप्यूटर का, ऑफ कंप्यूटर तुम उसे नहीं बताते हो, तो यू डोंट टेल हिम। ठीक है कंप्यूटर का नॉलेज होने के बावजूद भी तुम उसे नहीं बताते हो, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यू डोंट टेल हिम। ठीक है वैसे ही सेम आप इसको पहले लिख सकते हो और इसको बाद में लिख सकते हो। ठीक है तो दोस्तों ऐसे ही सेंटेंसेस को बनाया जाता है। ठीक है इसमें आप ऐसा भी यूज कर सकते हो जैसे क्वेश्चन जब आ जाए सेंटेंसेस के। ठीक है पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले हमने हैविंग की बात की, अब उसके बाद हम बात करते हैं बीइंग। ठीक है डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं उसे नहीं बचा सका। ठीक है डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं उसे नहीं बचा सका, ये क्या है, बनने वाला है मतलब होना, तो इसमें क्या आएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर आई कुडंट सेव हिम। डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं उसे नहीं बचा सका, तो इन स्पाइट ऑफ डॉक्टर आई कुडंट सेव हिम। ठीक है तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है इन स्पाइट ऑफ को यूज करके। ठीक है जैसे कि मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूं कि जैसे आप बना सकते हो। ठीक है जैसे आप ऑफिस जाते हो, ठीक है तो ट्रैफिक के लिए आप क्या करते हो, कभी ऐसा होता है कि आप पर्सनल कार या फिर पर्सनल गाड़ी लेते हो और कभी कभी ट्रैफिक की वजह से आप मेट्रो का यूज करते हो। ठीक है तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि कार होने के बावजूद राज ऑफिस मेट्रो से जाता है, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार ठीक है राज गोज टू ऑफिस बाय मेट्रो। ठीक है तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, या फिर मैंने बोला कि मेरे पास पैसे होने के बावजूद भी ठीक है उसकी मदद नहीं की, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी आई डिडंट हेल्प हिम, या फिर आई डिडंट हेल्प हिम इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। ठीक है वैसे ही इसमें नेगेटिव जो होते हैं वो सेंटेंसेस जो अगर हमने नेगेटिव यहां पे बना है, अगर यही सेंटेंस नेगेटिव यहां आ जाए, ठीक है जैसे मेरे पास पैसे ना होने के बावजूद भी मैंने उसकी मदद की, तो इसके बाद आप हैविंग से पहले नॉट लगा दोगे। ठीक है जैसे इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग मनी आई हेल्प्ड हिम। ठीक है तो जो हमारा नेगेटिव यहां पे था अब ये नेगेटिव यहां पे आ गया है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। ठीक है जैसे इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग पेन आई हेल्प्ड हिम। तो इसमें क्या हो गया, नॉट हमने पहले लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये जो ये वाला सेंटेंस है वो नेगेटिव बन गया और ये वाला पॉजिटिव बन गया, तो इसलिए हमने इस वाले सेंटेंस में नॉट लगा दिया और उसमें हमने पॉजिटिव के सेंटेंसेस बना दिए। ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है तो क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, आपको डरने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस भी सब कुछ सेम होता है दोस्तों। इंग्लिश में जो फॉर्मूला होता है अगर आप बेसिक का फॉर्मूला देखो, ठीक है तो वो सब कुछ सेम ही होता है, बस जो लंबा सेंटेंसेस बनते हैं तो उसको आपको बस बनाने का तरीका आना चाहिए, बाकी जो फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है। ठीक है तो अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव आपको पता ही होगा जब शुरू में क्या आ जाए या फिर किसी का जवाब हाँ या ना में हो तो उसे इंटेरोगेटिव
नेगेटिव कहते हैं, तो अगर सेंटेंस वैसा आ जाता है तो आप क्या करोगे, आपको कैसे बनाना है? तो घबराइए नहीं, आपको सेम उसी रूल का फॉलो करना है जैसे कि आप अभी तक बनाते आ रहे हो, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग पेन, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखे, तो अगर मैंने इसमें यह बोला कि डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं उसे नहीं बचा सका, अगर इसी को मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाता हूं तो वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि वो कैसे बनता है। अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव में क्या होता है कि अगर क्या आ जाए, ठीक है, तो सेंटेंस को हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ड जो होती है वो सबसे पहले यूज लेते हैं। तो वैसे ही क्या अच्छा वकील होने के बावजूद भी क्या आप उसका केस लेने से डरते हो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, बीइंग, तो हम इसमें जो हमारा क्या हो गया, अच्छा वकील होना, तो बीइंग यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या आएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड लॉयर, ठीक है। तो इसमें फिर उसके बाद यहां पे आ जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद, क्या आप उसका केस लेने से डरते हो, तो डू यू स्केयर टू टेक हिज केस। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, In spite of being a good lawyer, do you scare to take his case? ठीक है, तो इसका आपको समझ में आ गया, ठीक है। वैसे ही जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस भी वैसे ही बनाते हैं, बीमार होने के बावजूद भी आप इतना मेहनत क्यों करते हो, तो या तो आप ये ले लो पहले, या फिर आप ये ले लो, ठीक है। बीमार होने के बावजूद भी आप इतना मेहनत क्यों करते हो, तो अगर आप पहले लेना चाहते हो ये, तो क्या बोलोगे, व्हाई डू यू डू सो हार्ड वर्क इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, ठीक है। बीमार होने के बावजूद भी आप इतना मेहनत क्यों करते हो, तो क्या आएगा, why do you do so much hard work in spite of being ill, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको भी ले सकते हो पहले, या फिर इसको ले सकते हो, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रही हो, अगर हमारी वीडियो को समझ में आ रहा हो तो आपको हमारी वीडियो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे अगर अभी आप तक आपने नहीं किया है तो, और हमारे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि अब हमारे जो न्यू वीडियो आते रहे वो आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इतनी हिम्मत होने के बावजूद भी आप उसका सामना क्यों नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो इतनी हिम्मत होने के बावजूद भी आप उसका सामना क्यों नहीं करना चाहते हो, तो वैसे ही सेम जैसा हमने इसको बनाया, ठीक है। इतनी हिम्मत होने के बावजूद भी, ठीक है, तो क्या आएगा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच डेयर, why don't you wanna face him? In spite of having so much dare, ठीक है, आप उसका सामना क्यों नहीं करना चाहते हो, तो why do you not wanna face, ठीक है। दोस्तों आपको पता ही होगा वाना मैंने क्यों यूज किया, वाना मतलब चाहता, आप वाना की जगह वांट टू का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी हिम्मत होने के बावजूद भी आप उसका सामना क्यों नहीं करना चाहते हो, तो या फिर आप पहले इसको लिखते हो, व्हाई डोंट यू वाना फेस हिम इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच डेयर, ठीक है। दोस्तों आई होप आपको ये इंस्पाइट ऑफ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिस्पाइट की। दोस्तों डिस्पाइट जो होता है वो सेम जैसा हमने इंस्पाइट को यूज किया वैसा ही सेम उसको भी यूज करेंगे, बस दिक्कत यह है कि उसमें हम इंस्पाइट ऑफ यूज करते हैं, लेकिन डिस्पाइट में हम बस डिस्पाइट के बाद हम बस जैसा सेंटेंस बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास घर होने के बावजूद, ठीक है, घर होने के बावजूद भी मैं किराए पर रहता हूं, तो डिस्पाइट हैविंग माई ओन हाउस,
ठीक है, डिस्पाइट हैविंग माई ऑन हाउस आई लिव ऑन रेंट, तो सेम उसी की तरह बना है जैसे हम इंस्पाइट ऑफ की जगह, इंस्पाइट ऑफ में भी अगर आप बनाना चाहते हो तो इंस्पाइट ऑफ हैविंग माई ऑन हाउस आई लिव ऑन द रेंट, तो सेम है। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे मेरे पास या फिर कंप्यूटर होने के बावजूद भी मैं अभी तक नहीं सीख सका। ठीक है, तो कंप्यूटर होने के बावजूद भी मैं अभी तक नहीं सीख सका, तो क्या आएगा, इंस्पाइट ऑफ हैविंग कंप्यूटर, इंस्पाइट ऑफ हैविंग कंप्यूटर आई कुडंट लर्न। वैसे ही डिस्पाइट का यूज करके बताएंगे हम, डिस्पाइट हैविंग कंप्यूटर आई कुडंट लर्न, तो बोथ आर सेम, बस उसमें डिफरेंसेस ये हो जाता है कि उसमें हम ऑफ नहीं लगाते, डिस्पाइट में ऑफ नहीं लगाते और इंस्पाइट में हम ऑफ लगाते हैं, एंड सेकंड फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे अपडेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, और आप मजे से हमारे वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।